भैया के पास आना लेने के लिए सब। इसलिए फोटो भाई अपलोड करना चाहिए। अरे बिल्कुल फेसबुक पे है उसमें डाल दो। अरे अपने चैनल पे डालेंगे ना, यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। पीछे सारा हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवी के ब्लॉग। दोस्तों ये मेरा जो वीडियो, ये मेरा इस चैनल पे पहला वीडियो है। मेरा एक और चैनल है प्रॉपर्टी फॉर यू के नाम से, जिसमें मैं पूरे प्रॉपर्टी के वीडियोस बनाता हूँ। एक ब्लॉगिंग चैनल ये मैंने स्टार्ट किया है, तो आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए रहेगा। आज हम चलते हैं बोरिया गेट, क्योंकि मुझे लेना है एक जैकेट। तो अब जाके देखते हैं कि वहाँ क्या मिल रहा है, कैसा है, रेट क्या है, सब आपको बताऊँगा आज मैं। तो अभी टाइम हुआ है 6:52। हालांकि हम लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम जाके देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी दो रामप्यारी खड़ी है, एक डिस्कवर और एक एवेंजर। डिस्कवर मैं पहले चलाता था और अभी अभी 4 से 5 दिन हुए मुझे एवेंजर लिए। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये गाड़ी कैसी है, एवरेज क्या देता है। मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है इस गाड़ी के बारे में, बस मेरा शौक था कि मेरे पास एक एवेंजर हो तो मैंने ले ली। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और चलते हैं बोरिया गेट। लेकिन उससे पहले मुझे एक दोस्त है जो भिलाई में रहता है, भिलाई 3 में जो रहता है, उसको पिक करूंगा, फिर उसके बाद अपन चलेंगे बोरिया गेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी भिलाई 3 की तरफ और यहाँ पे सूरज देवता जो है वो निकल चुके हैं। सुबह का टाइम बहुत ही सुहाना लगता है दोस्तों, फ्रेश एयर आपको मिलती है, सभी मॉर्निंग वॉक्स यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि मैं रोज़ सोचता हूँ बट मैं उठ नहीं पाता, तो मेरे से तो ना हो पाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं सिरसा गेट और काफ़ी भीड़ हो चुका है क्योंकि टाइम भी हो चुका है ना। तो ये है हमारा सिरसा गेट चौक। ये अपना हाईवे और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सारे शॉप अभी तो ओपन नहीं है, सब बंद है। ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप और हमारे गाड़ी में अभी फ्यूल तो है, तो हम अभी नहीं डलाएंगे। हम सीधा निकलेंगे अपने दोस्त को पिक करने, उसके बाद सीधा बोरिया गेट। तो ये भिलाई 3 स्टेशन है और यहीं से मेरे को अपने फ्रेंड को पिक करना है। तो चलिए करते हैं उसे पिक और चलते हैं बोरिया गेट। तो हम भिलाई पहुंच चुके हैं, बस हमारा फ्रेंड आता ही होगा, उसके बाद हम निकलेंगे बोरिया गेट के। यार बहुत लेट लगाता है भाई। दोस्तों भिलाई में इस बार काफ़ी ठंड पड़ने वाली है, जैसा कि अभी स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। उमदा से भिलाई 3 आने में मेरा हालत ख़राब हो चुका है, सीरियसली बताऊँ तो आप लोगों को। मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ही लेट लतीफ़ है यार, सच बताऊँ तो। मतलब क्या बोलूँ, 6 बजे जाने का प्लान हुआ था, 7:30 बजने वाला है। ये देखो आ गया वो, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आ रहा है इंसान, हिलते डुलते मटकते मटकाते, यही। तो अपना फ्रेंड आ चुका है और हम निकल चले हैं बोरिया गेट की तरफ। ये अब डबरापारा चौक है, ब्रिज बन रहा है, काफ़ी टाइम से बन रहा है, पता नहीं कब तक बनेगा। हम आ गए कुर्सीपार चौक, यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि फाटक अभी बंद है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये वाला पोर्शन वीडियो पे नहीं डाल रहा हूँ, तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हम हो गए फाटक पार और हम चलते हैं आगे।
सुबह का टाइम है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है बाइक चलाने में और वैसे ही ठंड भी लग रही है। तो यहाँ पे एक अंकल एक बंदे को लिफ्ट देते हुए, बहुत ही अच्छा काम। और आप भी दोस्तों ऐसे ही कोई दिखे ज़रूरतमंद और लगता है कि आपको लिफ्ट देना चाहिए तो उसे ज़रूर लिफ्ट दें। और ये आ गए हैं हम भिलाई स्टील प्लांट के पास। ये है हमारे भिलाई की आन बान शान, भिलाई स्टील प्लांट। और यहाँ से हमको राइट लेना है तो हम राइट पे आ चुके हैं। अब चलते हैं हम सीधे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बोरिया गेट। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आपको यहां पे नज़र आ जाएगी। सुबह से ये मार्केट लग जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और इस मार्केट में आपको सारा चीज़ मिलेगा, राशन, कपड़ा लता। ये पूरे अचार हैं, एक बार ज़रूर आइएगा मार्केट और घूमिएगा ज़रूर। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये पूरा मार्केट है अपना बोरिया गेट का, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बार ज़रूर आए, देखें क्या है क्या नहीं है, कैसा है। रेट आपको सस्ता मिलता है बोलते हैं, बाकी मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ बोरिया गेट, तो देखते हैं क्या रेट हमको मिलता है। तो ये है जैकेट, सबके अलग अलग प्राइजेस है बट मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। देखते हैं, लेट्स सी। तो एक ये स्वेटर हमने पसंद किया है, मम्मी के पास भी नहीं था तो उनके लिए भी एक ले लेते हैं। तो ये हमको 550 के आसपास का कुछ पड़ रहा है। ठीक है, रेट सही है, वाजिब रेट है। नहीं नहीं, बाकी देखते हैं टोपी कहीं दिख नहीं रहा है, देखते हैं। भैया के पास आना लेने के लिए सब। अरे बिल्कुल, अरे अपने चैनल पे डालेंगे ना, यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। पीछे सारा तो ये भैया के पास दो जैकेट हम लोग खरीदे, बहुत ही अच्छा लगा। एक रेड कलर का, एक वाइट कलर का, दोनों हमने खरीद लिया है। 1,000 रुपये का पड़ा है, मतलब 2,000 रुपये के आसपास का दोनों जैकेट हमको पड़ा है। बहुत सही है जैकेट भी। यहाँ पे आपको पूरे राशन सामान देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट है, एक बार ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए, समझिए कैसा है क्या है। सुबह का टाइम लगता है। तो यहाँ आपको, तो इस मार्केट में आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार ज़रूर जाइएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
क्योंकि मेरा ये नया चैनल है और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।